नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो किसान संकल्प यात्रा के अंतर्गत 25 किलोमीटर यात्रा के आंदोलन की समीक्षा करने आए प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ने रिंकाबगंज स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन पर पदाधिकारियों की बैठक किया और प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किसान वेदांत प्रताड़ना प्रदेश सरकार की नीतियों से किसान प्रभावित हो रहा है, उसका सुगम समाधान सिर्फ संवेदना आधारित जन संवाद से ही दूर किया जा सकता है। भारत जोड़ो किसान संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारीगण मजबूती के साथ लग जाएं, भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामचरित वर्मा ने सभी पदाधिकारी से कार्यक्रमों को सफल बनाने करो या मरो की स्थिति में तैयार होने को कहा है। प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस सर, यहाँ बैठक हुई है, बैठक में जो आपका कमियाँ क्या हुई और आज की बैठक की अध्यक्षता एडीएम साहब ने की, जबकि शासन का आदेश है कि डीएम या सीडीओ करें। पहली तो अनियमितता यही है कि जनपद के दो आला अधिकारी जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सभी विभाग को, जिनके पास ये पावर है कि वो सभी खेती से जुड़े विभाग को कोऑर्डिनेट करें, वो उसकी अध्यक्षता करें। अनफॉर्चुनेटली एडीएम प्रशासन ने इसकी अध्यक्षता की, जिनके पास कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का कोई राइट नहीं है किसी अधिकारी के पास। अब जब बैठक चालू हुई तो उसमें जो प्रस्तुतिकरण हुआ उसमें डीडी साहब ने कुछ चीज़ रखा और उसमें भी बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी। डीडी साहब ने केवाईसी के बारे में कहा, ई केवाईसी के बारे में कहा और यंत्रों के बारे में सूचना दिया। आज अगर यंत्रों के बारे में सूचना दे रहे हैं, जिसका 12 तारीख को ऑनलाइन बुकिंग था और 24 घंटे में सारे यंत्र आपके जनपद के बुक हो चुके हैं, उसकी सूचना कि आपको यंत्र बुकिंग करना है आज की बैठक में डीडी साहब दे रहे थे। अर्थात योजना जिनको मिलनी थी, लाभ जिसको मिलना था, उनको मिल चुका। ये फर्जी प्रस्तुतिकरण है कि ऐसी योजना है। उसी तरह से सोलर पंप का एक मुद्दा उनके सामने रखा गया, 2017 का ये मामला है और आज तक डीडी और सारा पैसा जमा करने के बाद भी रुद्र प्रताप जी सोहावल के जो हैं उनको आज तक अलॉटमेंट नहीं हुआ। विडंबना देखिए कि आज भी बेशर्मी से अधिकारी कह रहे हैं कि अब पुनः आवेदन कीजिए तब आपका वरीयता से दिला दिया जाएगा। अब आज उसके दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। डीडी का पैसा सरकार के पास पड़ा था और विभागीय लापरवाही में पटल बाबू के ड्रॉअर में ही पड़ा रह गया। कमी अगर पटल बाबू की है, कमी अगर डीडी की है, तो दंडित किसान क्यों हो? वेदना ये जो किसान की है, इस वेदना से कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी अपने आप को जोड़ता है और ये संघर्ष करेगा कि रुद्र प्रताप जी की तरह जितने और किसान हैं जो सुविधा शुल्क और वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार से प्रताड़ित हैं, उनकी लड़ाई किसान कांग्रेस लड़ेगा।